फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। इसके लिए हमने आधा किलो छोले ले लिए थे। इनको भिगाकर अच्छे से उबाल लिया है। देखिए इसका दाना अच्छे से मैश हो जा रहा है। और हमने दो बड़े टमाटर ले लिए थे जिनको हमने पीस लिया है, दो बड़े प्याज, तीन चार कलियां लहसुन की और दो छोटी पीस अदरक के, इनको भी साथ में पीस लिया है। तो चलिए इनको बनाने के लिए हम कढ़ाई गैस पर रखते हैं तेल डालकर। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें चलिए एक चम्मच जीरा डाल देते हैं छोटी। एक चम्मच हींग डाल देंगे। हमने प्याज जो पीसी है उसको डाल देंगे। इसमें साथ ही में एक बड़ा चम्मच हल्दी डाल देंगे, दो चम्मच पीसी धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, ये सब अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज ने हमारे तेल छोड़ दिया है, अब इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे। तो भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर ने भी तेल छोड़ दिया और इसमें छोले डालने हैं। और दोस्तों मैं छोले उबालते समय पर लौंग और काली मिर्च उबाल रही थी साथ में, इसको भी सब साथ में डाल देंगे। पानी डाल देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, दो बड़े चम्मच, और आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। पानी में कम लग रहा है और डाल देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट, ये पकेगा इसी तरह। दोस्तों देखिए हमारे छोले बनकर लगभग तैयार हो गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा और मसाले वगैरह डाल देते हैं। दोस्तों हमने ये छोला मसाला लिया है। हमने 3-4 चम्मच डाल दिए, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो गया। एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं, उनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लोग इनको घर पर जरूर बनाइए
और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।